हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं, अपना बहुत ख्याल रख रहे हैं और पॉजिटिव सोच रहे हैं। आज हम जो टैरो कार्ड रीडिंग करने वाले हैं, आज की रीडिंग का टॉपिक रहेगा थोड़ी देर पहले आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे थे, यानी कि जिनको सोचकर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं वो थोड़ी देर पहले आपके बारे में क्या सोच रहे थे, यही देखने की कोशिश कर रहे हैं। ओके व्यूवर्स, तो जब तक मैं कुछ कार्ड्स निकाल रही हूँ आपको बता दूँ कि ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव लेवल पर है, टाइमलेस रीडिंग है और सभी जोडियक साइंस के लिए रहने वाली है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सब इस रीडिंग को देख सकते हैं और ये रीडिंग किसी के लिए भी देखी जा सकती है। ओके, हमने यहाँ कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं आपके लिए। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आया है नाइट ऑफ कप्स एंड बाकी सारे कार्ड्स हैं, सिक्स ऑफ सोर्स, टू ऑफ सोर्स, पेज ऑफ सोर्स एंड किंग ऑफ सोर्स। तो यहाँ पर सोर्स की एनर्जी ज़्यादा है और यहाँ पर साइन है एयर साइन कुंभ मिथुन तुला एक्वेरियस जेमिनी लिब्रा। बॉटम से हमारे पास आया है नाइट ऑफ कप्स, तो यहाँ पर वाटर साइन भी है, मेन कर्क वृश्चिक पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो। ओके व्यूअर्स, ये आपके साइन या फिर आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं और यहाँ पर आपके लिए छः नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। दो नंबर इंपॉर्टेंट है ये आपकी या फिर आपके पार्टनर की बर्थ डेट्स हो सकती हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं या फिर इन डेट्स में आप अपने पार्टनर से मिले हो सकते हैं या फिर ये पर्सन ना, मुझे लगता है कि इन डेट्स में रिटर्न वापस आ सकते हैं, ऐसा यहाँ लग रहा है मुझे, या फिर कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी इन डेट्स में आपको मिलने वाली है। तो इन नंबर्स पर आप नज़र बनाए रखें, इन मंथ्स पर, इन डेट्स पर नज़र बनाए रखें, कुछ ना कुछ तो ऐसा घटित होने वाला है इन डेट्स और मंथ्स में आपके जीवन में जो आपको भी काफ़ी खुशी दे सकता है। ओके, तो अगर हम थोड़ी देर पहले आपके पर्सन की फीलिंग्स की बात करें, क्या थी, तो इस पर्सन की फीलिंग्स ना काफ़ी इमोशंस से भरी हुई थी। ये पर्सन काफ़ी इमोशनल हो रहा था आपके बारे में सोचकर। देख रहे ना, हमारे पास टू ऑफ सोर्स आया है, तो ये पर्सन ना आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है किसी से, या तो मुझे ऐसा लगता है कि आप इस पर्सन से कुछ मांग रहे हैं, शायद ये आपको दे नहीं पा रहे हैं और इसी वजह से ये पर्सन थोड़ी देर पहले बहुत दुखी था, ये सोच कर कि ये आपको नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि ये मजबूर हैं। कहीं ना कहीं ये पर्सन खुद को असहाय और मजबूर महसूस कर रहा था थोड़ी देर पहले। ऐसा नहीं है कि इस पर्सन की लाइफ में कुछ है नहीं, ये आपको दे नहीं सकता है, बट हाँ, कोई ना कोई ऐसी मजबूरी है जो आप इससे मांग रहे हैं ना, वो चीज़ शायद ये आपको नहीं दे पा रहे हैं। हो सकता है आप इनसे कमिटमेंट चाहते हों, ये आपको नहीं दे पा रहे, पर यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन कुछ टाइम से आपसे दूरी बना चुके हैं, बट ये ज़्यादा टाइम तक दूर नहीं रह पाएंगे क्योंकि सिक्स ऑफ सोर्स है हमारे पास। अगर ये पर्सन जा चुका है तो ये रिटर्न आएगा वापस, ये इसी के बारे में सोच रहे हैं और थोड़ी देर पहले भी ये इसी के बारे में सोच रहे थे कि इन्हें आना तो आप ही के पास है, क्योंकि ये ज़्यादा टाइम तक ना आपसे दूर भी नहीं रह पाते, इसके जो इमोशंस हैं ना वो बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो होने लगते हैं, ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लगते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि आप इनसे पूरी तरह से कहीं अलग ना हो जाएं, जुदा ना हो जाएं, आप अपने रास्ते अलग ना कर लें। तो ये कुछ टाइम के लिए तो नाराज़ रह सकता है पर्सन, बट ज़्यादा टाइम तक ये आपसे नाराज़ नहीं रह सकते। और थोड़ी देर पहले भी इस पर्सन को ये डर और फियर था इस पर्सन के मन में कि कहीं ऐसा ना हो कि ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं, इस पर्सन ने आपसे डिस्टेंस बनाया है तो आप इसकी लाइफ से ही हमेशा के लिए चले जाएँ, ये आपको पूरी तरह से ही खो दे। तो इस एनर्जी में ये पर्सन था थोड़ी देर पहले। और देख रहे ना, पेज ऑफ सोर्स भी है हमारे पास, तो ये पर्सन थोड़ी देर पहले सोशल मीडिया पर आपको स्टॉक भी कर रहा था और आप पर नज़र बनाए हुए हैं कि आप अपनी लाइफ में कर क्या रहे हैं, और ये पर्सन काफ़ी उत्सुक था जानने के लिए थोड़ी देर पहले कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या आप इन्हें मिस करते हैं, क्या आप इन्हें याद करते हैं, आपके दिल में क्या चल रहा है इस पर्सन के लिए, तो ये जानना चाहते थे। और इस पर्सन ने आपका सोशल मीडिया चेक किया है कि आप कहाँ क्या पोस्ट डाल रहे हैं, किस तरह के कॉमेंट्स कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस अगर आप सोशल मीडिया पर शो करते हैं ना, तो ये पर्सन नज़र बनाए हुए था आप पर और ये पढ़ रहे थे, देख रहे थे आपको सोशल मीडिया पर ऑनलाइन। तो यहाँ पर ये काफ़ी खोजबीन में भी लगा है आपके बारे में, कुछ इन्फॉर्मेशन भी लेने की कोशिश कर रहा है कि आप कैसे हैं, कैसा फील कर रहे हैं इस पर्सन के बिना। तो अगर आप दोनों की बात नहीं हो रही है ना, तो ऐसा नहीं कि ये पर्सन आपसे पूरी तरह से ताल्लुक़ ख़त्म कर चुका है, बट ये पर्सन आपको अभी भी देख रहा है कि आप कर क्या रहे हैं अपने जीवन में। ओके व्यूअर्स, और नेक्स्ट कार्ड हमारे पास किंग ऑफ सोर्स है, तो देख रहे हैं ना, ये पर्सन आपके जीवन में ना तब वापस आना चाहता है जब ये कुछ बन जाए, कुछ कर लें अपने जीवन में, ये सारी जो जीवन की भागदौड़ है ना अपने हाथों में ले लेना चाहते हैं।
आपके लायक खुद को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने करियर में ग्रो करना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, ये चाहता है पर्सन कि सब कुछ और हर खुशी ये आपको दे जो आप डिज़र्व करते हैं। इसीलिए भी ये पर्सन ना इस वक्त आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे, बट हाँ इन फ्यूचर ये आपके लिए एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि बॉटम से हमारे पास आया है नाइट ऑफ कप्स, तो ये आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी है। आप दोनों जो चाहते हैं ना एक दूसरे से वो तो होकर रहेगा, आप दोनों क्योंकि सेम फीलिंग्स रखते हैं। इस पर्सन के दिल में आपके लिए जो इमोशंस हैं ये शो भी करना चाहते हैं, आपके लिए कुछ करना भी चाहते हैं, बट हाँ अभी कुछ मजबूरी हो सकती है इस पर्सन की आपसे दूरी बनाना, तो ये मजबूरी मुझे नज़र आ रही है यहाँ पर टू ऑफ सोर्स के कार्ड से। पर बहुत जल्द ना ये पर्सन अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए आपके लिए कुछ ना कुछ एक्शन ज़रूर लेगा। ओके व्यूअर्स, तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई होगी, कुछ तो क्लैरिटी मिली होगी, कुछ तो रेजोनेट की होगी। अगर थोड़ा भी रेजोनेट की है आपको इस रीडिंग से क्लैरिटी मिली है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें।